हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, पासपोर्ट का पेमेंट करते हुए आपका पेमेंट अकाउंट से कट गया है और आप अपॉइंटमेंट ले नहीं पाए हो, यानी कि सर्वर बीच में ही क्रैश हो गया है, साइट बिजी हो गई है या कोई बैंक की ओर से टेक्निकल एरर आ गया है जिसकी वजह से आपका पेमेंट बीच में फंस गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में काफी तरह के सवाल आते हैं कि क्या आपका पेमेंट फंस गया है, क्या आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, क्या आपका पेमेंट रिफंड आएगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती रहती हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत ही कम समय में सिखा दूंगा किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेनी है बिना दोबारा पेमेंट किए। उसी पेमेंट में हमें अपना पुराना पेमेंट कैसे वेरीफाई करा लेना है पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। और साथ ही में हम पासपोर्ट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पूरी सीरीज में हम पासपोर्ट की हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप उस सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना आप। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कैसे करना है वो आप जानते ही हो। उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्लिक करना है व्यू या सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन वाले बटन पर। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको सबसे पहला पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया है उसके सामने देखने को मिल रहा है पेंडिंग, और आज ही इसमें डेट भी आपको देखने को मिल रही है। तो हमें इस पेंडिंग को कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो फिर आप फॉर्म में गलतियां कर लेते हो, फिर आप कमेंट करते हो। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ही के लिए जरूरी है और दोबारा आपको कभी भी इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप अपना पेमेंट वेरीफाई करना भी सीख जाओगे। जिस भी पेमेंट को वेरीफाई करना है उसके सामने आपको इस तरीके का डॉट देखने को मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्लिक करना है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट बटन पे, और आपको इधर पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक नहीं करना, आपको नीचे क्लिक करना है ट्रैक पेमेंट स्टेटस बटन पे। दोस्तों इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है और आपके सामने यहाँ पर भी पेंडिंग लिखा हुआ दिखा रहा है। तो आपको अब क्लिक करना है क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट बटन पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने सक्सेस का मैसेज स्क्रीन पर आ गया है, यानी कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। जो भी पेमेंट हमारा अकाउंट से कटा था वो सक्सेस हो गया है, और आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस पेमेंट को सक्सेस कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है बिना किसी सिरदर्दी के, इतनी आसानी से हमने ये काम कर लिया है। तो दोस्तों अब आपको इसकी अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं ले पाए हैं हम, तो दोस्तों अभी सिर्फ हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ है, अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं ली गई है। उसके लिए वीडियो को आपको आगे और देखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है होम बटन पे वापस, फिर आपको क्लिक करना है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट बटन पे। दोस्तों पहले तो हमने इस बटन पे क्लिक नहीं किया था पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे, लेकिन अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है और जरा आपको देखने को मिल रहा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। तो अब हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है, पेमेंट हमारा वेरीफाइड है, तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। दोस्तों अब आपको आपका रेफरेंस नंबर और नीचे आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी, आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपके सामने आप पासपोर्ट ऑफिस आ जाएंगे। अब आपको किस पासपोर्ट ऑफिस की डेट लेनी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और सामने ही आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है कि किस पासपोर्ट ऑफिस में कब कब की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। जो अर्लियर अपॉइंटमेंट है वो आपको इधर देखने को मिलती है, पहले आप यहाँ से देख भी सकते हो जिससे कि आप टाइम बच जाता है। जो भी आप पास की लगे जल्दी की लगे वो आप यहाँ से देखेंगे और उसके बाद यहाँ से चुनेंगे। तो हम इधर बरेली की अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, इधर दे रखा है 18 अप्रैल 2024 की अपॉइंटमेंट हमें मिल रही है। तो उसके बाद हमें दोस्तों इधर पीएस के बरेली चुन लिया और हम नीचे कैप्चा फिल करेंगे। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे, और अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। आपको इस कैलेंडर पे क्लिक कर देना है और आपको डेट्स इधर सारी देखने को मिल जाती है। जो रेड कलर में आपको डेट देखने को मिल जाती है ये आपकी अवेलेबल नहीं है, और जो ग्रीन वाली जो डेट्स आपको देखने मिल रही है आप वही डेट्स ले सकते हैं। तो हम 18 तारीख को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है बुक अपॉइंटमेंट बटन पे, और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड। जैसा कि आप बहुत ही आसानी से अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आगे आपका अपॉइंटमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, बाकी सारी डिटेल आपको इधर देखने को मिल जाती है। अब आपको इस रिसीट का प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको क्लिक करना है प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पे, और अब वापस आपके सामने पूरी डिटेल और टाइम वगैरह आपको इधर सब देखने को मिल जाएगा, आपको कब कब जाना है। तो क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पे, फिर से ओके करेंगे, पेज को सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, पेज का सिलेक्शन करेंगे और प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर। दोस्तों हमने इस पेज का प्रिंट भी ले लिया है, अब मैं आपको ऊपर चेक करा देता हूँ। इस तरीके से आपको कुछ देखने को इंटरफेस मिलेगा इस पेज का। इस पेज पर आपको सारी डिटेल आपकी देखने को मिल जाती है, पता लग गया होगा किस तरीके से आपको अपना फंसा हुआ पेमेंट को वेरीफाई करके दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी है। दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट से लेकर कोई और समस्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे आपकी हर तरीके से हेल्प करने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर हमने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने ओपिनियन जरूर
नीचे कमेंट करें, आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज जरूर कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।